पिला चुके अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब आ गया माशाल्लाह 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 खान साहब अफ्तारी के लिए तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह खान साहब नना मुना बच्ची माशाल्लाह खान साहब से साथ महाबान माशाल्लाह कारकुनान का बड़ा तादाद इस वक्त मौजूद है। खान साहब तशरीफ लाके पाकिस्तान की आन पाकिस्तान की जान इमरान खान। एक मैसेज देखना चाहता हूँ किधर किधर से कौन कौन से जिलों से आए हुए हैं। लाहौर बंग्राम पीछे बंसेरा अच्छा तीन से रह गया चार हरिपुर हरिपुर आ गया अच्छा ओके फैसलाबाद फैसलाबाद सरगोधा सरगोधा उधर है अच्छा हादसाबाद के कोहिस्तान अगले अच्छा कोहिस्तान से अच्छा आप सब खातिब जिन्होंने मुश्किल वक्त शेलिंग में आपने सबने यहाँ टाइम गुजारा आपके लिए खास खास खराज तसीम अहमदाबाद अच्छा अहमदाबाद अच्छा जी लाहौर सबसे पहले हुआ अच्छा बैठे नहीं सुने अच्छा सुने आप पैसे हमने सारी डिस्ट्रिक्ट से दो दो तीन तीन लोगों को मैं मुंतखब करूंगा। हर जिले के अंदर वो दो तीन लोग मुशावरत करके मुझे जिले की इंफॉर्मेशन देंगे उनको मैं खास टेलीफोन नंबर देने लगा हूं। रोजे खुलने को कितना 10 मिनट रह गए 10 मिनट सो 10 मिनट दो मिनट हम 3 मिनट दुआ करेंगे रोजे से पहले उससे पहले आपने बस 7 मिनट मेरी बात सुननी। देखिए आप सब आप जितने भी लोग बैठे हैं हमारी खातिन भी अल्लाह ने हम सब में लीडर बनने की सलाहियत दी है क्योंकि ये याद रखें हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं अशरफुल मखलूकात। तो जब अल्लाह ने
फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और जब इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों को कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इंसान को कितनी सलाहियतें दी हुई हैं। मुश्किल और मसला यह है कि हमें भी नहीं पता कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियतें दी हैं। और वो क्यों नहीं पता? क्योंकि हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो जो तबाही का रास्ता है, नौजवान सुनो, ये हाथ उधर ना लाओ, सुनो मेरी बात, तुम्हें ये याद रखो जो मैं बातें कह रहा हूं, और खास तौर पे नौजवानों के लिए ये आपकी सारी जिंदगी काम आएंगे अगर आपको समझ आ गई। आपकी सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आपकी अजमत का रास्ता है, एक आपकी तबाही का रास्ता है। और नमाज में हम मांगते ही हैं कि अल्लाह हमें वो अजमत का रास्ता दे, मांगते हम नेमतों का रास्ता है, और चाहते हैं हम वो तबाही का रास्ता, क्योंकि वो आसान रास्ता लगता है। मसलन मुझे कोई मौका मिला, मैं कोई ऐसी पोजीशन में हूं, गवर्नमेंट पोजीशन में हूं, मैं थानेदार हूं, पुलिस में हूं, मैं फौजी हूं, जो भी हूं, हर वक्त मुझे मौका मिलेगा नाजायज किस्म का पैसा बनाने के लिए, लगेगा वो आसान रास्ता है, रिश्वत लूंगा एकदम पैसा आ जाएगा, लेकिन वो आपकी तबाही का रास्ता है। जिस वक्त आप वो आसान, जो आपको रास्ता आसान लगता है वो लेंगे, वो असल में आपकी तबाही का रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि कुरान की एक और आयत है कि जिस चीज को समझते हो तुम्हारे लिए बुरी है वो तुम्हारे लिए अच्छी है, और जिसको तुम अच्छी समझते हो बुरी है। इसका क्या मतलब है? कि जब आप समझते हैं कि ये बड़ा आसान तरीका पैसे बनाने का, आप अपना जमीर बेचते हैं, वो आपकी तबाही का रास्ता शुरू हो जाता है। जो लीडर है वो हमेशा वो रास्ता लेता है जो अल्लाह कहता है कि तुम्हारी अजमत का रास्ता है। और वो रास्ता किसका है? किसका रास्ता है? वो किसका रास्ता? दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और वो उसकी बुनियाद किस पे रखी गई है? दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसकी बुनियाद रखी गई है लीडरशिप के रास्ते में, सादिक और अमीन, सच बोलने वाला और इंसाफ करने वाला। ये दो क्वालिटीज हैं लीडर की। जो भी आप में से लीडर बनना चाहते हैं ये याद रखें, आपको ये दो चीजें, सच्चाई, झूठा लीडर नहीं हो सकता। जब झूठा लीडर होता है तो वो लंदन में जो भागा हुआ वो बन जाता है। लीडर सच बोलता है, मुस्लिमों का लीडर सुने, रोजा खुलने वाला है। सुने, मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं, ये आपकी सारी जिंदगी मेरी बातें याद रखना। अगर आपने, आपकी परवाज ऊपर होनी है, इकबाल का शाहीन बनना है, जिसने, जिसका बड़ा नाम होगा, जो अपनी फैमिली का भी नाम उठा देगा, जो दुनिया याद करेगी उसको, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेगा। सादिक और अमीन, सच बोलने वाला। और कुरान में है कि अगर अपने माँ बाप उनके खिलाफ, अपने खिलाफ भी अगर आपको इंसाफ करना पड़े आप इंसाफ करें। इतना ज्यादा जोर अल्लाह ने इंसाफ पे दिया हुआ है, वो लीडरशिप की। जब एक लीडर इंसाफ करता है उसकी इज्जत होती है, और लीडर इज्जत के बगैर लीडर नहीं बनता। तो ये आपने बातें याद रखनी है। कई दफा होता है जी, वो मेरा दोस्त कह रहा है तो चले मैं झूठ का साथ दे दूं, मैं सिफारिशी किसी की ले लूं। जब आप किसी का, मसलन आप टीम सिलेक्शन में सिफारिशी लेके आते हैं तो आप किसी का हक मारते हैं। जब आप हक मारते हैं ऊपर वाले की बरकत नहीं आती, क्योंकि सारा
कामयाबी तो ऊपर वाला देता है। तो अल्लाह जब देखता है कि किसी का कोई हक मार रहा है, बदनीयत है इंसान, उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो मैंने सिर्फ आज आपको ये कहना था नौजवानों कि लीडर दो चीजों के ऊपर उसकी बुनियाद रखी जाती है, सादिक और अमीन, सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कुरैश आया, कहता जी मैं 60 साल का हो गया हूं, मेरे लिए मुझे कोई एक चीज बताए कि मैं मुसलमान भी हो जाऊं और मैं अपनी आदतें ना छोड़ूं, मैं अब 60 साल का अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा अगर एक चीज मुसलमान होने के लिए तो सच बोलो, सच में बड़ी ताकत है, क्योंकि अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपको वो ताकत मिलती है। वो कहते हैं अंग्रेजी में कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी, कि एक सच्चा इंसान एक फौज होती है, क्योंकि उसके पीछे अल्लाह की ताकत आ जाती है। और दूसरा ये जो इंसाफ करना है, ये याद रखें कि वो इब्ने खालदून का एक, उसने कहा कि मेरा तज्जिया है, बहुत बड़ा आलम था, कहता मैंने जो सारा कुरान पढ़ी है मेरा तज्जिया ये है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक वजह से है कि इंसाफ करो, मेरी जमीन पे इंसाफ करो। ये दो चीजें याद रखिए नौजवानों, इन दो चीजों पे खड़े रहो, आपकी माशरे में इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी। गांव के अंदर एक लोगों को पता चले जी वो आदमी है, जो भी मसले होते हैं उधर पहुंच जाते हैं उनके मसले हल करने के, वो सच्चा आदमी और सादिक और अमीन है, सारे गांव उसकी इज्जत करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले सारे मक्का के लोग जानते थे कि वो सादिक और अमीन, अभी नबूवत ही मिली थी, लेकिन ये खिताब था कि वो सच्चा और ईमानदार और अमानतदार आदमी। इसलिए ये याद रखना कि दुनिया में ऊपर जाना है, अच्छा ये सच बोलना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, ताकतों का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर ये जो घर के ऊपर हमले हो जाते हैं, टेयर गैस शेलिंग हो जाती है, लेकिन ये कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन फिर उनकी जो आज अजमत है इसी है, हम आज जान देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि उनके कैरेक्टर की वजह से कि वो राय हक पे खड़े रहे और आखिर में सारी दुनिया उनके साथ होगी। दुआ करेंगे और फिर इंशाल्लाह रोजा खोलेंगे। अल्लाह ताला हम पे अपना रहम व करम फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस हकीकी आजादी की जिहाद में कामयाब व कामरान करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को कामयाब करे। अगर फितराना देना हो तो बाश बाश ही खड़ा है या नवाज खड़े हैं उनको दे देना, रोजा खुल गया। नहीं वो इनको नहीं लगता, इनको नहीं लगेगा, वो जाया हो जाएगा। अजान हो चुका है, खान साहब ने भी अभी रोजा खोलना है, कायदी ने इधर ये देखो माशाल्लाह ये मनाजर आई के टुडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त आपको दिखा रहा है जमान पार्क से। अजान हो चुका है, इस वक्त खान साहब और कारकुनान ने रोजा खोला है, ये देखो ये मनाजर आपको दिखा रहा है आई के टुडे यूट्यूब चैनल, तब तक दे दीजिए अल्लाह।